नगर परिषद संतोषगढ़ के समीप एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी का मन सिहर जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट करने के बाद सोनभद्रा नदी में फेंक दिया, जिसे मरा हुआ जानकर हमलावर मौके से फरार हो गए। लेकिन उफान पर चल रही सोनभद्रा नदी में फेंका गया युवक हरिओम 6 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। सुबह होने पर स्थानीय लोगों ने हरिओम को सोनभद्रा नदी के बीचों बीच फंसे हुए पाया, जिसके बाद युवाओं ने पुलिस के साथ मिलकर इस युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। काफी देर तक चले बचाव कार्य में हरिओम को युवाओं ने नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा हरिओम को पंजाब के गढ़शंकर से लाकर यहाँ पर मारपीट की गई और उसे सोनभद्रा नदी में फेंक दिया गया। सुबह 10/7/2023 को पुलिस चौकी संतोषगढ़ में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो संतोषगढ़ के सुआ पुल के नीचे तेज भाव में फंसा हुआ है, जिस पर जो है वो पुलिस टीम मौके पर गई और उस व्यक्ति को जो है वो स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया और उसका स्थानीय अस्पताल में उपचार करवाया गया। उपचार के दौरान उस व्यक्ति ने बताया कि उसको पंजाब गढ़शंकर से कुछ व्यक्ति जो है वो पिकअप में डालकर लाए थे और उसके साथ मारपीट की थी और उसे जो है वो पुल के नीचे वो फेंक कर चले गए थे और वो जैसे कैसे रात को उसने अपनी जान बचाई और सुबह जो है वो जब स्थानीय लोगों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी तब हमने उसका रेस्क्यू किया। तो उसके बयान पे जो है वो 3-4 जो पंजाब के लोग हैं गढ़शंकर के लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पर पुलिस चौकी संतोषगढ़ में रपट डाल दी गई है और इसमें अभियोग दर्ज करने हेतु विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जैसे 364 307 382 आईपीसी में थाना में रपट डाल के अभियोग हेतु जो है वो पंजाब गढ़शंकर मामला भेजा जा रहा है।